गुजर गए, अब तो जो वक्त अगर ज्यादा बने तो रह गया वो इत्तेफाक का ही है, एक हिम्मत है जो कर सके। जो कारोबार में बहुत फंसे हुए हैं और हाईली एंगेज्ड हैं, उनके लिए बड़ा मुजाहदा है कि इत्तेफाक की हिम्मत करें। है ऐसी कोई बात नहीं, आप सोचिए, खुदा के ना करे कभी कोई आदमी बीमार हो जाए तो 10 दिन बिस्तर पर भी तो गुजार लेता है। हॉस्पिटल खुदा ना खास अचानक जाना पड़ जाए और डॉक्टर रोक लें तो 10 दिन अस्पताल भी तो गुजर जाते। अगर डॉक्टर कहीं मैं हॉस्पिटल एडमिट करता हूं, 10 दिन आप नहीं जा सकते, हम क्या बिगाड़ सकते हैं उनका, बस हम पाबंद हो गए, फंस गए, तब भी तो वो कारोबार चलता ही रहेगा ना। इस तरह कई मामलात इंसानी जिंदगी में आते हैं, कभी इंसान सैर व तफरी के लिए चला जाता है कहीं बाहर सफर पे, तो कारोबार चलता ही रहता है, दुनिया चलती रहती है। जब कोई शख्स नहीं होता तब भी चलता रहता, जब हम नहीं थे तब भी चलता था, जब हम न होंगे तब भी चलेगा। ये तो खुद साख्ता तसव्वुरात हैं जी, बस कि वो मेरे बगैर चल सकता नहीं, इतने दिन पॉसिबल नहीं, निकलना मुमकिन नहीं। मैं इस मकरूजे को नहीं माना करता, मेरा एक जवाब होता है सब कुछ मुमकिन है, क्या नामुमकिन है दुनिया में। मैंने 2 मिसालें कर दी, आज खुदा ना खास्ता कुछ किसी को हो जाए, 10-12-15 दिन उसके अस्पताल या घर गुजर जाए बेड पर, तो फिर भी तो चलेगा, बस यूं समझ लें। ये भी 10 दिन एडमिट हो गया अल्लाह के अस्पताल में, ये 10 दिन अल्लाह के अस्पताल में एडमिट हो गया, दाखला ले लिया उसने। और इसमें अल्लाह की राह में आदमी वक्त लगा दे तो ये भी तजर्बा है, और अल्लाह फरमाता है कि बिगड़ता कुछ नहीं, कुछ अल्लाह पाक गैब से दे देता है। सिर्फ ये कि अज्म करना, बस थोड़ी सी इतनी बात है, लअल्लकुम तत्तकून, बस तुम परहेजगार बन जाओ। ये महीना तुम्हें एक खास माहौल पैदा करने के लिए अता किया है, इसलिए दिया है। इसमें इंसान जब्त करे, मेहनतें करे, अपने नफ्स का तज़किया करे, इबादात करे, कुछ देर दुनिया के काम काज और दुनिया की तलवीस से और दुनिया के मामलात से और गर्द गुबार से अलग थलग होके कुछ अरसा ज़रा एक ख़ास माहौल में चला जाए। जैसे ये स्पिरिचुअल हनीमून है, ये स्पिरिचुअल हनीमून है। आप जब शादी करते हैं ना बच्चों की, उसके बाद उनको टिकट्स देते हैं, चलो बेटे बाहर ज़रा हुआ, बच्चे जाते हैं, लोग जाते हैं, हनीमून मनाते हैं, ज़रा आज छुट्टियां, कारोबार, तिजारत, फैक्ट्रीज में बच्चे सालाना उनकी छुट्टी होती है, रिक्रिएशन होती हैं कि चलो अभी छुट्टी है, साल भर मेहनत की रिक्रिएशन पर जा रहे हैं। तो हर चीज़ में एक तसव्वुर है। वेस्टर्न वर्ल्ड में लोग वीकेंड बनाने चले जाते हैं, वीकेंड के लिए लॉन्ग वीकेंड आ गया चले जाते हैं। दुनिया में हर कोई दुनिया के कामकाज और मशगूल मामूलात से एक मरतबा जान छुड़ाता है, मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए, कंसोलेशन के लिए, रिक्रिएशन के लिए, अलहदा हर चीज़ भूल जाता है। वहाँ आदमी कोई समंदर के किनारे चले जाते हैं लोग, तो समंदर के किनारे क्या होता है, जाके बैठते हैं और लहरों को देखते हैं। यहाँ भी लहरें होती हैं, यहाँ भी एक समंदर है, और यहाँ भी मौजें होती हैं, और यहाँ भी किनारे हैं, और यहाँ भी बहुत कुछ नज़र आता है। नूर की मौजें हैं, नूर की लहरें हैं, एक रूहानी समंदर है, लोग उसमें कोई तैर रहे हैं, कोई गोता जन है, तरह तरह के अहवाल हैं। तो इस रिक्रिएशन पर भी आना चाहिए साल में 10 दिन। अल्लामा इकबाल कहते हैं, मुस्तफ़ा अंदर हिरा खलवत गजीब, मुद्दते जुज खीशतन कसरो नदीद। हुजूर अलैहिस्सलाम, आका अलैहिस्सलाम जैसी हस्ती शहर मक्का की रौनकें छोड़कर 10 दिन, 15 दिन, महीना, 40 दिन के लिए गार हिरा की खलवत कदे में चले जाते थे। आका अलैहिस्सलाम खलवतों में चले जाते, और फिर यही खलवत की जो याद थी, और फिर मुद्दते जुज खीशतन कसरो नदीद, फिर बड़ी मुद्दत तक बस कोई और नजर ना आता था, सिर्फ अपने आप को देखते थे। जुज खीशतन, सिर्फ अपने आईना कल्ब में अपने आप को देखते थे, अपने सिवा और किसी को देखते न थे। और अपने आप को क्यों देखते थे,
इसलिए कि खलवत में बैठकर अपने आप में झांकने से वो नजर आता था। मन अरफा नफ्सहू फकद अरफा रब्बा, तो अंदर मन में अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन। और पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, तू झुका जब गैर के आगे न मन तेरा न तन, न तन तेरा न मन। तो साल के 11 महीने हम गैर के आगे झुकते रहते हैं, यानी सारा दिन और रात कारोबार तिजारत दुनिया औलाद बच्चे घर खानदान दुनिया के मामलात में सारी जिंदगी सुबह से शाम कर देना, ये गैर के सामने ही तन और मन और दिमाग और दिल झुका पड़ा है। 10 दिन निकाल कर खालिस कर लिए जाएं एक खलवत में कि सिर्फ एक महबूब की दहलीज हो और जबी हो, बस उसके विर्द हो, उसकी यादें हो, उसके तस्करे हो, उसके नगमे हो। एक खास माहौल में इंसान चला जाए, और याद रखिए कि जो तरक्की एक खास माहौल में होती है वो तन्हा नहीं होती, माहौल से तरक्की मिलती, माहौल से। इसलिए तो सोहबत का हुक्म दिया, क्या सोहबत का, कूनू मा सादिकीन, सच्चों की माइयत में चले जाया हुआ हो जाया करो। और वस्बिर नफ्सक मअ अल्लज़ीना यदउन रब्बहुम बिलगदाति वल अशी युरीदून वजह, जो लोग सुबह शाम अपने रब को पुकारते और उसके मुखड़े के तालिब रहते हैं, तुम अपनी जानों को उनके साथ जमा दिया करो, उनके साथ जुड़ बैठा करो, उनके साथ जुड़ बैठा करो। गिर्द मस्तां गिर्द गर मैं कम रसद बुए रसद, बुए ऊ गर कम रसद रोयती शाम बसस, जो मस्त लोग हैं जिन्होंने शराब इश्क इलाही पी है और जिनको नशा आ गया है उसकी मोहब्बत और मारिफत का, उन मस्तों के गिर्द तू भी घूमा कर, उन मस्तों के गिर्द तू भी घूमा कर, के उनके गिर्द घूमने घूमने से कभी ना कभी तो कोई घूंट शराब का तुम्हें भी मिल जाएगा। और अगर एक घूंट शराब का नबी मिला, एक घूंट शराब का नबी मिला, तो तब भी अपने आप को मायूस और महरूम न समझ, बू तो आ ही जाएगी ना। हाय हाय, जब कोई मैखाने में जाके बैठता है मैकदों के साथ एक खास माहौल में जहां जाम पे जाम लुटाए जा रहे हो, चलो जाम आपके हाथ तक न पहुंचेगा इंसान, तेरी बारी तक जाम अगर ना आए तो कोई बात नहीं, बू तो कहीं नहीं गई ना, उस फिजा से बू तो आ ही जाएगी। और फिर वो कहता है कि कोई बात नहीं, अगर तुझे बू भी ना आए, मुमकिन है जुकाम हुआ हुआ हो, नजला हो, ब्लॉकेज हो, कंजंक्शन है, अगर बू भी ना आए तो वो कहते हैं ये भी मायूसी ना समझ, अगर बू भी ना आए रोयते शाम बसस्त, उन चेहरों को देख लेना भी काफी है जो सुबह शाम उसकी याद में मगन बैठे हैं, वो हर उसका जिक्र कर रहे हैं पे दर पे और उसकी याद में मस्त हैं और उस कैफ व सरूर में हैं, वो माहौल है, मलाइका उतर रहे हैं, फरिश्ते उतर रहे हैं, वो कैफ है, एक माहौल है, उस माहौल में बैठना, उस माहौल में अल्लाह अल्लाह सुन लेना, अल्लाह अल्लाह करने वालों को देख लेना, ये भी ऐशां बसस, ये भी बड़ी बात है। इंसान को अंदाज़ा नहीं होता, इसके भी अनवार होते हैं, इसके भी जिक्र करने के भी अनवार हैं और जिक्र सुनने के भी अनवार हैं, कुरान की तिलावत करने के भी अनवार हैं और कुरान पढ़ते हुए को सुनने के भी अनवार हैं। खुद चेहरा वैसा हो जाए बड़ी बात है, अगर न हो सके तो ऐसे चेहरों के देखने के भी अनवार हैं, ऐसों के देखने के भी अनवार हैं। मैंने आपको नुक्ता समझाया था असाबे काफ के कुत्ते वाला, कि वो कुत्ता था असाबे काफ के किनारे 309 साल बैठा रहा, वो भी महरूम न गया, कुत्ता था। तो इंसान अगर नेकों के संग 10 दिन जम के बैठा रहेगा सैकड़ों हजारों लोगों के साथ एक खास माहौल में, अल्लाह पाक उसको महरूम नहीं लौटाता वापस। और फिर वो ये जाके बैठते ही दिन कहता है मौला मैं सब कुछ छोड़कर तेरी दहलीज पर आ गया, तेरा मंगता बनकर तेरी चौखट पर आ गया हूँ, तेरी मर्जी है, तेरी मर्जी, तू दे धुतकार दे, पर करीमों का शेवा नहीं है कि सारे लोगों को धुतकार दे, मंगतों को धुतकार, खाली कोई नहीं जाता।